साथ यशु शुक्ला। देश में लॉकडाउन का आज 11वां दिन है और जहां पर लोगों को लगातार घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है। कल देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से अपील की कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के बीच गरीबों और मजदूरों को कम से कम मुश्किल हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। लगातार सीएम योगी भी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन की सख्ती का असर दिख तो रहा है पर कहीं नहीं दिख रहा। वहीं अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए भी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जिसका जायजा जिलों में के न्यूज के संवाददाताओं ने लिया। कोरोना ऐसी बड़ी बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है और लगातार पूरे भारत में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आगरा की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लॉकडाउन का कितना असर है। देख सकते हैं सामान करें मार्केट में, और इस मार्केट में साफ तौर से शटर गिरे हुए हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, सभी दुकानों के ताले लगे हुए हैं। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस कोरोना जैसी बड़ी बीमारी को लेकर भय भी है और लोग जागरूक भी हैं कि कोरोना से बचना है तो घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो लगातार लोगों की सजगता जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। संपूर्ण लॉकडाउन आगरा में देखने के लिए मिल रहा है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, डोर टू डोर खाने की डिलीवरी कराई जा रही है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी है, हर एक चौराहे पर बैरिकेडिंग है, पूछताछ के बाद ही किसी को जाने दिया जा रहा है। तो लोगों की सजगता और पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं आगरे के लिए फायदेमंद साबित होंगी और कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से बचाव हो सकेगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा।